सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल का, आर्कियापोलिस का। सो गाइस आर्कियापोलिस के पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा, फाइनली हम लोग ने जो ना गाइस हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल डायनो चार्चा जो है गाइस उसको टेम करने का काम जो है ना गाइस वो कर लिया था। और अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है ना, इस वाले एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे एक नया और डायनो करने के लिए जाने वाले। वो डायनो कौन सा होगा अभी थोड़े टाइम में आपको पता चलने वाला, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोग को गेमिंग विद एनी के चैनल का, सो उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। वहां पे भी अलग अलग आर्क की वीडियो जो है वो आती रहती है। और अगर आप लोग को आर्क पीसी के सर्वर डिस्काउंट के साथ बनाने या आर्क मोबाइल या रस्ट के सर्वर बनाने, सो नीचे निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग सर्वर बना सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से निट्राडो सर्वर को जरूर चेकआउट कर लेना। और गाइज हम लोग ने एक आर्क पीसी और लगाया था, इसकी आवाज़ तो मैंने सुनी थी। सो गाइज हम लोग ने जो है ना गाइज एक भाई हेलो हमला कर रहा है मेरे ऊपर, मेरे बेस पे हमला करेगा, मेरे बेस पे हमला करेगा। अरे शेमड़े, हाँ मैं इसको मार भी पाऊंगा कि नहीं मेरे को। गाइज हम लोग ने ना गाइज एक नया चैनल खोला है ओनली फॉर, ठीक है, ओनली फॉर आर्क पीसी गेम प्ले। खाली आर्क पीसी की गेम प्लेस डालने के लिए ना गाइज हम लोग ने एक नया चैनल खोला है, जिस चैनल का लिंक जो है ना गाइज आप लोग को कम्युनिटी टैब में। और भाई यार इसको मारना है, पहले रुका गाइज, पहले इसको मार दो भाई, आ गया मास्त बेकी आ गया उस रैप्टर को। चलो सो गाइज हम लोग ने एक आर्क पीसी की वीडियो डालने के लिए एक नया चैनल खोला है, जिसका लिंक जो है ना आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा और शॉर्ट वीडियो को कमेंट और भाई डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप लोग उसको सर्च करके चेकआउट करना चाहते हो तो चैनल का नाम है आर्क गेमिंग विद 4.8K सब्सक्राइबर्स। सो उस चैनल को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर भी 40-50 मिनट की खतरनाक से आर्क की वीडियो अपलोड होती है डेली। तो गाइज अभी आपको बता चल गया है कि पिछले एपिसोड में हम लोग ने क्या करा है, तो आज मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये जो चार चाप देख रहे हो अभी तक का हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल डायनो, सबसे ज़्यादा पावरफुल डायनो ये वाला चार्चा है गाइज यहाँ पे, ठीक है। इसका जो डैमेज है ना गाइज वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा जा रहा है। देखो मुझे गामा जो है गाइज वो थोड़ा बढ़ाने दो। एंड अभी आज मैं क्या करने वाला हूँ बताए, सबसे पहले तो मैं जाने वाला हूँ अपने चार्चा वाले टीपी पर जो कि वॉल्कैनो में, और वहाँ पे ना मैं ढूंढने वाला हूँ काउस को। काउस है उनको कुछ तो बोलते हैं, एक्चुअली में वो काउस ही है, बट उनको ना इस गेम में नाम कुछ अलग दिया गया है भाई, ठीक है। उनको जो है ना कि मैंने कल मारा था चार्चा को खिलाने के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है भी उन काउस को भाई टेम करने का। मैं देखना चाहता हूँ कि वो काउस जो है ना गाइज वो टेम करने के बाद हम लोग को क्या देती है। बारिश आ गई है क्या यार, अरे हमारी फूटी किस्मत, बारिश आ चुकी है यहाँ पे। मैंने गाय के झुंड तो देखे नहीं थे, मैंने एक ही झुंड देखा था, वो भी मैंने पिछले एपिसोड में मार दिया था। अभी मिलेंगी क्या गाय यहाँ पे, मुझे गाय को टेम करना है गाइज, उसी को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पे आया हूँ। और मुझे गाय तो नहीं, अजीब सी कुछ पीटी जरूर दिखाई दे रहे हैं। रुका गाइज मैं ढूंढता हूँ भाई यहाँ पे कहीं पे गाय दिखाई दे रही है क्या। अगर दिखाई नहीं दी ना तो मैं वीडियो जाके देखूंगा, और उनका नाम जो है ना गाइज आर्क में अभी जो भी नाम हो, ठीक है। हैं कौन कौन का वेंट, जमीन के अंदर, ओए कौन क्या, तू जमीन के अंदर कैसा जाता रे, ला ला गाइस ये जमीन के अंदर घूमने वाले इन डायनोस को टेम करेंगे अपन। रुको भाई जमीन के अंदर जा रहे, सब तैर रहे भाई जैसे कि वो पानी हो, क्या है ये भाई, ये क्या देखने को मिल रहा है मेरे को। रुको गाइस बारिश जाने तो उसके बाद हाई लेवल का ये कौन जो भी नाम है इसको टेम करेंगे। रुक जाओ भाई क्या खतरनाक, देखो भाई इससे भाई तैर रहे जैसे कि पानी हो यार, इनके लिए जमीन नहीं भाई पानी बना दिया यार उसको तो इन लोग ने। रुको 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 गाइस बारिश जाने दो फिर इनको टेम करता हूँ मैं। A few moments later. क्या रे पीटी के बच्चे, तेरे को और कोई काम नहीं है क्या मेरे को उंगली करने के अलावा। ठीक है चलो कहाँ पे चले गए ये रे ना, क्या नाम है भाई तुम्हारा, कौन का भाई, ठीक है कौन का हाई लेवल का चाहिए मुझे भाई, ठीक है कौन का
कौन का किधर है बताओ भाई, कौन का बिन का 700x वाले, कौन का भी 100 लेवल के, लेकिन यार एक्स वाले मेरे को तो 750 लेवल का मंगता भाई, ठीक है कितना 1700 मीटर दूर भाई रेडियो में जाने के लिए भाई 750 लेवल के इस कौन का जो भी इसका नाम है उसको हम लोग टेम कर लेंगे भाई यहाँ पे सैंड भाई, इसको हम लोग सैंड शार्क बोलेंगे भाई, ठीक है सैंड शार्क। चलो भाई यहाँ पे एक मूवी भाई याद आ गई मेरे को इससे, एक शार्क जो है ना कि जो जमीन में तैरना चालू कर देती है, ठीक है थर्ड क्लास मूवी थी, लेकिन वो मूवी में भी जो ना शार्क इस डायनो की तरह ही भाई जमीन पे भाई ऐसा तैरना चालू कर देती है। ये देखो भाई ये देखो ये 750 लेवल वाला देख रहे हो, इसको मैं टेम करने वाला है भाई, ठीक है मैं इसको टेम करने वाला हूँ। 80,000 भाई घर जाएंगे, लेकिन इसको नॉकआउट करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला हमारे लिए, बराबर मैं इसको अपने पार्टनर लोग से दूर लेके जा रहा हूँ। जब ये जमीन के अंदर होता है ना तब हम लोग इसके ऊपर डार्ट नहीं मार सकते भाई, ठीक है ये जब जमीन के अंदर होगा, ये क्या चीज़ हुई मेरे साथ, सफोकेशन दे रहा है मेरे डायनो को भाई, मेरे डायनो को सफोकेशन दे रहा है भाई, ये काइंड ऑफ कुछ तो इसका कोई स्पेशल अटैक है भाई, तूफान क्रिएट कर दिया क्या इसने, अबे भाई हेलो ये तो मुझे सपोकेट कर रहा है कैसे, ये कौन सी अनोनी शक्ति आ गई भाई इसके पास, सपोकेट वगैरह करने लग गया है डायरेक्टली, तो रुको भाई तो सपोकेट वगैरह करने लग गया भाई, पानी में जा चुका है अभी, 17,000 इसका भाई टोटल जो भी हिलते 15,000 हिलते टॉर्पोर जो 80,000 है, ये आरतू पूरी एक तो मेरा पीछा नहीं, एक मिनट रुक जाओ गाइस कहाँ पे भाई, खल्लास आरतू पूरियो की बच्ची लाड़ में आ रही थी भाई, इसका सफोकेशन हट नहीं रहा भाई, रुको रुको भाई ऐसे मर जाऊंगा भाई दम घुट के भाई, ये क्या है ये कौन सी एबिलिटी है भाई तेरी, हट जा भाई एबिलिटी से जल्दी, वहां पर भाई बहुत गंदी एबिलिटी है गाइस, बहुत गंदी एबिलिटी है यार ये तो, बहुत ही ज्यादा गंदी एबिलिटी है यार, ऐसे तो पेल देगा यार मेरे को, ये मेरा गेम बजा डालेगा भाई ऐसे तो, ठीक है वो तूफान क्रिएट कर दिया उसने वहां पे गई पे, पानी में इसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो थी, इस बात का फायदा हम लोग उठा सकते हैं वैसे, ओके इसने भाई तूफान क्रिएट कर दिया वहां पे वापस से, इसको बस पानी से बाहर निकालना है, पानी के अंदर मैं इसको बेहोश नहीं कर सकता ये याद रखना है, ठीक है 44,000 मैंने भाई टॉर्पोर दे दिया इसको, संभल के संभल के, ओके मेरे को इसके तूफान के अंदर नहीं रहना है गाइस वरना बैंड बज जाएगी मेरी, ये तूफान में जो ना गाइस मुझे सफोकेट कर रहा है पूरी तरीके से, ये तूफान को लेके आ गया मैं नजदीक आ गया, मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, रुको थोड़ा सा मैं ऊपर चला जाता हूँ हवा में भाई, ठीक है इस तूफान में नहीं फंसना, ये जो सैंड स्ट्रोम है जो भी चीज है सफोकेट कर रही है यार मेरे को जमीन पे, अभी यहाँ पे एक और एनाकोंडा आ चुका है, एनाकोंडा को मारो गोली, मेरे को तो ये चाहिए भाई, ठीक है यार ये पानी में ना भाग जाए बस, इसका टॉर्पोर जब चढ़ेगा ना तो ये पानी में ना भाग जाए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे पानी ही पानी दिखाई दे रहा है मेरे को, पानी में अगर ये बेहोश हो गया तो भाई थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे तो भाग भाग के जा रहे हैं भाई, सांप के बच्चे हैं, शॉटगन का मार का नहीं करो, लोडेड नहीं है, रुक जा रुक जा रुक जा, लोडेड लोड करने थे लोड करने थे, नाइस भाई रुक रहे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, 61,000 भाई इसको मैंने टॉर्पोर चढ़ा दिया है मुश्किल से, ऑरेंज ऑरेंज भी वेदर हो चुका है, पट्टे से हेडशॉट भी मार रहा हूँ मैं इसको, ये मुझे मारने के लिए आ रहा है शायद जमीन पे आ जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा सा भाई सफोकेशन भाई से लूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इसको बेहोश कर दूंगा भाई, ठीक है अब ये भाग रहा है बस ये पानी से बाहर निकल जाए यार, और कुछ नहीं पानी से बाहर निकल जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जा भाई आ जा ना जमीन पे आना मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े जमीन पे क्यों नहीं आ रहा, आ जा हाँ आ इधर आना दमे तो इधर आना, आ जा इधर आ इधर आना,
सफोकेशन सफोकेशन संभल के। अबे सफोकेशन से मारा ना जाओ, निकल लो निकल ले जल्दी से। ओके यार जमीन पे आ तो गया था, वापस से पानी में चला गया भाई। चमन चमन है भाई ये, थोड़ा सा पता है आपको, थोड़ा चमन है भाई ये डायरा पहले से बैंड बजी पड़ी है और ये उंगली करने अलग से आ गया। ठीक है भाई आ जा नाइस वन। जी जी एक और डार्ट इसको मारना है। पानी में मत जाना यार, क्या चल रहा है ये, मेरी जमीन पे बैंड बजा रहा है गाइस ये डायनो, जमीन पे बैंड बजा रहा है बताओ। कम ऑन ड्यूड, नीचे वाले झरने में गया क्या भाई? इधर आ जा ना यार, मेरे को मार ले, मैं कुछ थोड़ी क्या बोल रहा हूँ तेरे को, इधर आ इधर आके मार ले मेरे को। बस इसको एक डार्ट मारना है खाली, हाँ गाइस एक डार्ट मारना है उसके बाद ये बेहोश सीधा। आहा मेरी जान, क्या रे हीरो बन रहा था ज्यादा, हीरो बन रहा था ज्यादा। चलो गाइस इसको बेहोश कर दिया है, अब इसके हंगरी होने का इंतजार करते हैं हम लोग भाई। ठीक है जैसे ही हंगरी हो जाएगा वैसे गाइस इसको तीन भाई प्राइम मीट खिला दूंगा मैं। ठीक है फाइनली भाई बेहोश तो वाइट लिस्ट हो, इसके अंदर अभी हम लोग को तीन प्राइम मीट डाल के बस टेम करने का काम कर लेना, और कुछ नहीं करना। मजे आ गए भाई मजे आ गए। A few moments later. इसका टॉरपोर तो उतर चुका और एक चमन सा सांप भी इसको उंगली करने के लिए आ चुका है यहाँ पे। इस सांप को मार के इसी का प्राइम मीट मैं उसको खिलाऊंगा भाई। ठीक है इसी के प्राइम मीट से टेम करूंगा मैं, आ जाओ चलो मजे ही मजे बॉयज। मेरी हेल्थ भी फुल हो चुकी है इतने टाइम में, अब इसके अंदर हम लोग को ये प्रामिट डाल देना है और यस हो जाए टेम, हो जाए टेम। यस बॉयज लेट्स गो ब्रो, तू जमीन के अंदर ही रहता है क्या हमेशा? लग तो ऐसे ही कुछ रहेगी, जमीन के अंदर ही रहना इसको पसंद है बेचारे को। चलो कोई ना, हमारी सैंड शार्क में इसको सैंड शार्क करेगा भाई। ठीक है मेरे को पता नहीं है भाई, शार्क है मेरे लिए सैंड शार्क भाई, मुझे भाई इसका नाम भी मैं सैंड शार्क ही रखूंगा भाई। अपने इस डायनो का नाम रखेंगे हम लोग सैंड शार्क, क्योंकि ये भाई जमीन के अंदर तैर सकता है भाई, पानी की तरह जमीन को पानी बना देता है भाई ये। ठीक है इसका सैडल पहले बनाना पड़ेगा, इसका नाम है कुन कुन का वेटरा। ठीक है नाम तो कुछ ज्यादा खतरनाक है लग रहा है, यहाँ पे बनेगा इसका सैडल ना, इन्वेंटरी में बनेगा फिर। ये रहा भाई इन्वेंटरी में सैडल बन चुका है, असेंडेड कर लेते। चलो आ जाओ यार कर लेते, इसके सैडल को भी असेंडेड कर लेते हैं। वैसे भी सबके सैडल को ही मैं असेंडेड करते रहता हूँ, तो इसके सैडल को भी कर ही लेता हूँ असेंडेड। चलो ठीक है फेल्ड बाय क्यू बाय टेम फेल, हाँ असेंडेड हो गया। ब्लू प्रिंट बनाते हैं फटाफट से, और ब्लू प्रिंट बना के फटाफट से सैडल भी बना लेते हैं। ठीक है सो हमारा जो नया डायनो है गाइस अपनी सैंड शार्क, उसकी मदद से अभी मैं ही जाने वाला हूँ तबाही में जाने के लिए। बाकी जो काउस वगैरह है उनको हम लोग अगले एपिसोड में टेम कर लेंगे गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका नाम भी वैसे मुझे पता नहीं, मैं अगले एपिसोड में उनके नाम के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके आएंगा। ठीक है गाइस थोड़ी रिसर्च करके आएंगा। आई पट्ट से हेडशॉट, ओ ये वाह पानी में गिर गया, अच्छी बात है। चलो वरना मुझे फॉल डैमेज पड़ जाता तगड़ा वाला। चलो इसको अभी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसके ऊपर सैडल लगा देते हैं। अरे यार तू जमीन, अच्छा ये हमेशा जमीन के अंदर नहीं रहता है गाइस, इसकी कोई एबिलिटी है मे भी, और इसके पास शार्क की तरह फिन भी है, देखना ना गाइस ऊपर भाई। इसको शार्क भाई सैंड शार्क नाम देंगे हम लोग, ये रहेगा हमारा सैंड शार्क, सैंड शार्क। ठीक है ये अपना सैंड शार्क रहेगा भाई, ये हमेशा भाई यहाँ पे जमीन के अंदर नहीं रहता है, ये बाहर भी रहता है, बट इसकी कोई एबिलिटी है जिससे जमीन के अंदर जा सकता है भाई। ठीक है अटैक कौन से इसके पास? बाइट अटैक है, ओ लेफ्ट क्लिक पे जमीन के अंदर घुसने वाला अटैक। ठीक है सीप है, ओ तूफान सफोकेश को सफोकेशन करने वाला अटैक गाइस। ये देखो सीजे भाई तूफान क्रिएट कर रहा है, एक्स से कंट्रोल से क्यू से आर से कोई अटैक नहीं है भाई। ठीक है भाई ये सफोकेशन वाला तूफान वाला अटैक मुझे काफी पसंद आया। वन सेकेंड ब्रो वन सेकेंड भाई, अच्छा नहीं तुरंत नहीं क्रिएट कर सकता तूफान। ठीक है रुको, अरे यार इसकी लेवल अप करना तो मैं भूल ही गया और उसको हील करना भी भूल गया। रुको इसको हम लोग बेस पे लेके चलते हैं,
फटाफट से इसकी लेवल अप करते और इसको जो है ना कैसे हमारे डिओडॉन से हील कर लेते थोड़ा सा, ओके। हमारे जो प्यारे प्यारे डिओडॉन है उसको हील कर देंगे। इसकी हेल्थ दवाई हम लोग करने वाले 50,000, बचे हुए सारे पॉइंट हम लोग डाल देंगे इसके मिली डैमेज में, ओके। अभी गाइस इसको हम लोग लेके चलते डिओडॉन के पास, और जैसे गाइस डिओडॉन इसको हील कर लेते हैं ना, वैसे मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है? रुको गाइस। A few moments later, 50,000 सैंड शार्क जो है गाइस हमारा, उसकी हेल्थ यहाँ पे फुल हो चुकी है, हील जो है ना पूरी तरीके से हम लोग ने इस सैंड शार्क को कर लिया है। क्या तू जंप भी मारता ब्रो? अरे यार इसके पास जंप वाला कोई भी अटैक नहीं है, ये किसी भी तरह की जंप नहीं मार सकता। लेकिन कोई ना, एक अच्छी बात है कि हम लोग अभी चल 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 और यहाँ पे नहीं जा सकता क्या जमीन के अंदर? अच्छा मुझे क्रॉस करना पड़ेगा रुको। हाँ चलो जमीन के अंदर, मेरी जान, लेट्स गो बॉय, ओए लेट्स गो भाई। ये देखो भाई समंदर में कैसे वेव्स के ऊपर भाई हम लोग सर्फिंग करते हैं, वैसे इसके ऊपर बैठ के हैं मैं जमीन पे सर्फ कर रहा हूँ भाई। चलो ओ ओ सैंडस्टॉर्म भाई, सैंडस्टॉर्म क्रिएट करेंगे अपन भाई। सैंडस्टॉर्म क्रिएट ही नहीं हो रहा यार, सैंडस्टॉर्म तो क्रिएट ही नहीं हो रहा भाई। जो सैंडस्टॉर्म कैसे क्रिएट होता भाई? इसी वाला अटैक ही। हाँ ये लो, यहाँ पे मैंने सैंडस्टॉर्म क्रिएट कर दिया, अभी ये लोग जो है ना सफोकेट होके मर जाएंगे और मैं सेफ्टी के लिए जमीन के अंदर चला जाऊंगा इजीली। ये कौन है भाई? आलू के बच्चे। ये ले बेटा, तेरी मात ने बुलाया तेरे को, तेरी मात ने बुलाया। ये ले सफोकेशन वाला अटैक, तू क्या वापस से नहीं दे सकता? ये स्लो भी हो जाते हैं, ठीक है जमीन के अंदर चलो बाय बाय। अभी तुम मेरे को मार नहीं सकते प्रियो, मार तो मारे वैसे ये लोग लेकिन उतनी गंदी तरीके से मार नहीं पा रहे, मैं इनकी पैंट इजीली बजा दूंगा। ओ ये लोग मेरे ऊपर एग्रो नहीं हो रहे क्योंकि मैं जमीन के अंदर हूँ, मैं भी इसलिए। बाय बाय वुल्फ, बाय बाय वुल्फ, बाय बाय वुल्फ, बाय बाय वुल्फ पंकज, बाय बाय, सी यू नेवर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। चलो इसकी बैंड बजा दी मैंने। अभी गई जहाँ पे एक प्यारा प्यारा सा हमारा पैरासोरस था, उसकी भी बैंड बजा दी है। यार सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है यार, इसका डैमेज भी काफ़ी बढ़िया ही जा रहा है, एकदम घटिया ऐसे डैमेज नहीं जा रहा, काफ़ी बढ़िया डैमेज जा रहा है यार इसका तो। मेरे को पसंद आ गया भाई ये डायनो। गाइस आपको हमारी ये साइंड शार्क जो है गाइस वो कैसी लगी बताना, मतलब लगी या लगा है? लगा ये हमारा जो साइंड शार्क है वो आपको कैसे लगा जरूर बताना। देखो कहीं पे भी मैं ऐसे आराम से जमीन के अंदर जाके तैर सकता हूँ भाई, ठीक है? ये जमीन नहीं है, ये हमारे लिए पानी है गाइस, ठीक है? ये पानी है हमारे लिए, हम लोग इजीली जो ना गाइस इस तरीके से। व्हाट भाई देखो, आपने देखा है किस तरीके से भाई जंप कर रहा है? ये देखो, ओह यस, ओह यस, ओह यस, लेट्स गो बॉयज। भाई मजा आ गया यार, ओपी बोलते भाई, देख रहा डॉल्फिन की तरह जंप कर रहा भाई ये, सच में इसने इसको पानी बना दिया है, देखना। ये देखो ए ले भाई, ये ले जंपिंग जपाक जंपक जंपक। वो मैक्स लेवल मैंने इसको कर दिया है क्या? इसका डैमेज भी एक बार देख लूँ। हाँ मैक्स लेवल हो चुका है डैमेज। मारा कैसे रे तूने? मारा कैसे भाई? मैं जमीन के अंदर जाऊँगा वापस से। अच्छा मेरे को कोई डैमेज देता तो मैं बाहर निकल जाता हूँ क्या? पता नहीं चलो, लेकिन 800 का डैमेज मेरा जा रहा है भाई, ठीक है? आराम से जमीन के अंदर बैठे रहेंगे और इसकी बैंड बजा आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खतरनाक। ओ ये इक्विज भी मुझे काफ़ी बढ़िया कलर का लग रहा है यार, इसको हॉर्स बोला गया। इसमें जो हॉर्स है ना उनका कलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे पानी तो ऐसा जंप मार के आगे जाएंगे हम लोग। यार ओपी है भाई ये डाइनो, सच में भाई डॉल्फिन की तरह। ये 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 देखो, ये लेट्स गो, लेट्स गो, ये रुको आ गए। इसकी बैंड बजाता हूँ जमीन के अंदर से, बैंड बजाऊंगा भाई। और मुझे कोई जब मारता है तो भाई थोड़ा सा सीन हो जाता है, तूफान क्रिएट कर देता हूँ मैं। तूफान क्रिएट कर दिया मैंने, तूफान क्रिएट कर दिया। मैं जमीन के अंदर जा रहा हूँ अभी हाइड करने के लिए। और मुझे जब थोड़ा सा डैमेज पड़ता है ना तो मैं जमीन के अंदर से ऑटोमेटिकली निकल जाता हूँ, ठीक है? अल्लाह बट मार तो रहा भाई गंदा वाला, गंदा डैमेज दे रहा है भाई। क्या मार रहा है, क्या मार रहा है? 800 का डैमेज है लेकिन ठीक है यार, इतना सा छोटू से डायनो के लिए 800 का डायनो भी डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें मैं खुद सपोकेटूँगा नहीं, चलो अच्छी बात है, इसमें हम लोग खुद सपोकेट नहीं होते हैं। ये जो ना सैंड स्टोम है इसका,
जिसमें जो भी होगा वो सफोकेट होगा, उसका फूड बार, हेल्थ बार और बाकी सारी चीजें हल्लो हल्लो करके डाउन होना चालू हो जाएगी। ये हमारे इस वाले डायनो की जो है ना गाइस नई एबिलिटी है भाई, मजा आ गया इसको टेम करके। बाकी गाइस आपको हमारा ये जो सैंड शार्क है ना गाइस एक कैसी लगी जरूर से नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारा सैंड शार्क पसंद आया होगा ना तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना कि सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। अभी जो है ना कि हम लोग इसको घर पे लेके जा रहे हैं। अगर आपने इसका लुक नहीं देखा तो मैं आपको इसका लुक भी दिखा देता हूँ। मैंने शायद सबको इसका लुक नहीं दिखाया अभी तक। ये देखो दिखने में किस तरीके से दिख रहा है। इसकी बॉडी ना एकदम पतली सी है, स्लिम सी है, ताकि जो है ना कि आराम से यहाँ पे सैंड के अंदर जो है ना जमीन के अंदर बोले तो आराम से तैर सके भाई, मिट्टी में तैर सके और जंप वगैरह मार सके। इसलिए इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पतली है, देखना कितनी पतली है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा पतली बॉडी है इसकी और इसका लुक जो है गाइस वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त वाला दिख रहा है। खास करके जब हम लोग जमीन के अंदर जाके इससे से जंप मारते हैं ना तब ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला दिखता है। गॉडज़िला की याद आती है यार इसको देख के, गॉडज़िला की याद आ रही है भाई। लेट्स गो, मजा आ गया गाइस। आपको गाइस हमारा ये सैंड शार्क जो नया डायनो है गाइस वो कैसे लगा जरूर बताना नीचे कमेंट करके। बाकी तो अभी के लिए ये वाला एपिसोड हम लोग इसी नए डायनो को, एक मिनट रुक जाओ मैं ट्राई करना चाहता हूँ क्या मैं इसके नीचे से जा सकता हूँ। नहीं, ये एबिलिटीज नहीं है अपने पास, मैं नीचे से नहीं जा सकता हूँ। मुझे जाना है तो गेट ओपन करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा फिन वगैरह जो है ना आधी बॉडी जमीन के भाई बाहर रहती है। इसलिए अगर मुझे जाना है तो भाई दरवाजे से ही जाना पड़ेगा, बिना दरवाजा खोले हम लोग हर पार नहीं जा सकते। चलो कोई ना, फिर एक काम करते गाइस आज का ये वाला एपिसोड जो है ना गाइस हम लोग यहीं पे इस डायनो को टेम करने के साथ खत्म कर देते हैं। मिलते सीधा के जब से अगले एपिसोड में आर्क कैबलिस के, तब तक के लिए बाय। ओ भाई गेट के ऊपर से जंप मारने वाला था मैं। ओ भाई साहब एक गाइस गैलरी में जंप मारेंगे, रुकना आज कुछ तूफानी करते हैं। रुको गाइस रुको, सीधा गैलरी में जंप ना, गैलरी में जंप। ओ भाई लेट्स गो बॉयज, देख रहे हो सीधा ऊपर जंप मारी है भाई, काफी ज्यादा ऊंची जंप पे मार रहा है अपना डायनो, खतरनाक यार मजा आ गया। चलो फिर गाइस आज का एपिसोड फाइनली ये भी खत्म कर देते हैं, मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। You and me, and how careless we yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get